प्रदेश में आउटसोर्सेस अधिकार पर रखे गए कर्मचारियों के साथ खुलेआम शोषण हो रहा है। कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के करदाताओं का पैसा चंद कंपनियां लूट रही हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों के बारे में कोई नीति बनाए। ये शब्द पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में तकरीबन 25,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। प्रदेश सरकार प्रति कर्मचारी 10,000 रुपए का भुगतान करती है, यानी हर माह करीबन 25 करोड़ रुपए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खर्च कर रही है। लेकिन इन कर्मचारियों को तैनात करने वाली कंपनियां कर्मचारियों को 60% यानी लगभग 15 करोड़ रुपए ही दे रही हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में आउटसोर्स के नाम पर हर माह 10 करोड़ और सालाना 120 करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। ये 120 करोड़ रुपए जो कि प्रदेश के इन 25,000 लोगों को मिलने चाहिए थे, वो चंद कंपनी और बिचौलियों के बीच में बंट रहे हैं। शर्मा ने कहा कि आउटसोर्सेस कर्मियों के साथ उनके परिवार भी हैं और सरकार की इस नीति से प्रदेश के 1,00,000 से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ये प्रथा जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। विनय शर्मा ने कहा कि ये कर्मचारी काम सरकार का करते हैं, कार्यालय सरकार का होता है, तो फिर कंपनियों पर क्यों पैसा लुटाया जा रहा है? सरकार इन लोगों को सीधे भी तो वेतन का भुगतान कर सकती है। सरकार जब सीधे 10,000 रुपए देगी तो इन कर्मचारियों के पास पूरा पैसा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अब ये भाजपा की जिम्मेदारी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाई जाए जिसका उन्हें लाभ मिले। विनय शर्मा ने कहा कि 15 दिन में सरकार हरकत में नहीं आई तो इस मामले को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी। मैंने आउटसोर्स एम्प्लॉइज का मुद्दा उठाया है। मैंने कहा है कि प्रदेश में 25,000 के करीब आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं। सरकार की तरफ से कंपनीज को पर एम्प्लॉई 10,000 रुपया दिया जाता है, जबकि एम्प्लॉयज की जेब में 6,000 रुपया पहुंचता है, कई जगह 5,500 रुपये भी पहुंचता है। सरकार जो है हर महीने इन पर 25 करोड़ रुपए खर्चती है। ये लोग पूरी मेहनत करते हैं लेकिन इनको उसका 60% हिस्सा मिलता है, 40% जो पैसा है वो कंपनियों की जेब में चला जाता है। मेरा सरकार से ये निवेदन था कि जो पैसा आप कंपनीज के थ्रू इन एम्प्लॉयज को देते हैं जिसमें से 40% उनकी जेब में चला जाता है, उसे रोका जाना चाहिए। वो पैसा जो है सरकार इन कर्मचारियों को डायरेक्ट दे। अगर सरकार वो पैसा इन कर्मचारियों को डायरेक्ट देता है तो 25,000 परिवारों को एक तरह से फायदा होगा। 25,000 एम्प्लॉयज का मतलब लगभग 1,25,000 के करीब जो उनके घर के सदस्य हैं उन लोगों की जेब में 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जाएगा। पूरा अगर आप इसका अंदाजा लगाएं कि एक साल में 120 करोड़ रुपया जो है वो एम्प्लॉयज का मेहनत का इन कंपनियों की जेब में जा रहा है, तो सरकार इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाए। जिस तरह से वाटर कैरियर थे, वाटर कैरियर को 10 साल की नौकरी के बाद सरकार में लगाया गया, उसी तरह ये भी लोग हैं, इनको भी 10 साल के बाद जिन्होंने 10 साल की आउटसोर्स में नौकरी कर ली है उन लोगों को सरकार में लाया जाए। उसके बाद उनको जिस तरह का सरकार का प्रोसेस है, पहले कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद रेगुलर करने का, उस तरह से इनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो जीवन के सर्वश्रेष्ठ साल है, अपनी जवानी के बेस्ट साल है, वो सरकार को इन्होंने दे रखे हैं। तो सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इन लोगों का भला सोचे। पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस समय एक पॉलिसी बन रही थी जिस पर विचार हो रहा था, उसके हिसाब से ये किया जा रहा था कि जो 10 साल तक जिन लोगों ने आउटसोर्स में आ चुके हैं उन लोगों को सरकार में वैसे ही लाया जाए जैसे वाटर कैरियर को लाया जा रहा था। अगर सरकार जो है इस मुद्दे पर 15 दिन में विचार करे और सरकार कोई पॉलिसी लेकर आए, अगर कोई सरकार पॉलिसी लेकर नहीं आती है तो मेरा मानना है कि मैं इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाऊंगा जनहित याचिका के माध्यम से, और हाईकोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि
इन लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है 25,000 इम्प्लॉइज का, जिनकी मेहनत का 40% हिस्सा जो है वो कंपनियां खा रही हैं, उसको रोका जाए और जब तक सरकार कोई पॉलिसी नहीं बनाती तब तक ये जो पैसा है वो कोर्ट के माध्यम से या किसी और माध्यम से डायरेक्ट जो है वो इन कर्मचारियों के पास पहुंचे। सर, पूर्व की जो सरकार